بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام سب میں الله رب العالمين शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बस अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़लो करम के बाद जद्दा सलामा ब्रांच के दावा सेंटर वालों की काविशों का नतीजा है कि आज मैं जूम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तमाम दीनी भाइयों बहनों से मुखातब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ मेरी ये यकीन खुशकस्मती है कि मुझे इस तरह के एक प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिल रहा है अल्लाह ताला हमारे इस सुनने और कहने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबसे पहले मैं यही दुआ करूंगा कि हम सब को अल्लाह ताला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल करने की तौफीक से नवाजें नाजरीन कराम जैसा कि आप लोगों के सामने पहले ही से ऐलान किया जा चुका है कि मुझे या मैंने जिस मौजू का इंतखब किया है आप लोगों के रूबरू कुछ गुफ्तु करने के लिए तो वो है बदलता जमाना और हकम इता नाजरीन कराम हम सब आलमीन के बंदे हैं ताला ने हम पर इस दुनिया में सबसे बड़ा इनाम जो किया वो हिदायत का इनाम है हिदायत की नहमत से अल्लाह ताला ने हम सब को नवाजा है तो हमारा अपना ईमान है कि अल्लाह आलमीन का कलाम कुरान मजीद की शक्ल में हमारे पास पाया जाता है अल्लाह ताला जो इस कलाम को उतारने वाले हैं अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के उतारने का मकसद कुरान मजीद में खुद बयान करते हैं अल्लाह ताला का फरमान है किताब उन मुबारक लियत दबरू आयातीबा वो किताब जो हमने आपकी तरफ उतारी है बड़ी बाबरकत किताब है मुबारक किताब है इस किताब के उतारे जाने का मकसद क्या है अल्लाह ताला ने खुद बता दिया लियत दबरू कुरान मजीद की आयतों में सारी दुनिया के लोग गौरव फिक्र करें तदब्बर करें यह सिर्फ मुसलमानों के लिए उतारी गई किताब नहीं है लिन्नास अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया है कि यह सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है सभी को इसकी आयतों में गौर करना है सारी आयतों में गौर करना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद हमको बता दिया कि क्यों ये कुरान मजीद नाजिल किया गया आयाती ही ताकि कुरान मजीद की तमाम आयतों में गौर करने वाले गौर करें वलियतुलबाब और जो अक्ल दानिश वाले होते हैं अक्लमंद होते हैं वो नसीहत हासिल करेंगे तो नसीहत हासिल करें तो नाजरीन कराम मैंने मेरे अपने मौजू के एतबार से वैसे तो कुरान मजीद में कई आयतें पाई जाती हैं जिसमें अल्लाह रब्लम ने इताद का हुक्म दिया है मगर मैंने सुर मोहम्मद की आयत जिसके अंदर बहुत सारी बातें अल्लाह ताला एक साथ जिक्र कर दिए हैं गौर करने पर हमें पता चलेगा इन हम मालूम करते जाएंगे

इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल अल्लाबीन के हकम पर मुश्तमिल एक खिताब है अल्लाह ताला हमें एक हकम दे रहे हैं और मुखातब कौन है इस्लाम के आहदे अवल के मुमिनीन से लेकर फनाए दुनिया तक आने वाले सारे मुमिनीन इसके मुखातब हैं इब्तिदाए इस्लाम से लेकर इंतहाय आलम तक कितनी लंबी मुद्दत होगी सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के और कोई नहीं जानता यह हकीकत हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ही बस गैब जानने वाला है अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं दुनिया वाले अगरचे अपनी जगह पर यह ऐलान करते हैं कि हाँ फुला तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी फुला वक्त आएगा कि दुनिया का खातिमा हो जाएगा लेकिन सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और किसी को इसका इल्म नहीं है तो अब ये जो इतनी लंबी मुद्दत हम जिससे गुजर रहे हैं और आगे हमारे बाद और कितनी लंबी मुद्दत तक ये दुनिया बाकी रहेगी अल्लाह ताला कब तक इसे बाकी रखेंगे इस पूरी मुद्दत में जमाना चाहे कितने भी रंग बदल ले चाहे इसमें कितने भी नशेब व फराज आ जाए चाहे इसमें कितना सुधार पैदा हो जाए या इसमें कितना ही बिगाड़ क्यों ना पैदा हो जाए मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जो हुक्म है हुक्म इताअत इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब ईमान वालों को खिताब करके कह रहे हैं कि या जब ईमान वालों को अल्लाह ताला खिताब करते हैं तो फौरी तौर पर उसकी तरफ हमें मुतवजह हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो हमें किसी बात का हुक्म दे रहे होंगे जो हमारे अपने फायदे ही के फायदे की चीज होगी या हमें किसी बात से मना कर रहे होंगे रोकते होंगे जो हमारे अपने लिए दीनों दुनिया के किसी भी एतबार से नुकसानदेह होगी तो इसलिए हमारी तो पूरी तरीके से अल्लाह तक की तरफ हो जानी चाहिए तो अल्लाह रबुल दे रहे हैं ईमान वालो अतिरसूल अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इता करो ये अल्लाह तकम है तो ईमान के दावेदार चाहे वो किसी भी तबके से रंगो व नसल से ताल्लुक़ रखने वाले हो, अल्लाह और उसके रसूल की इतात से किसी भी वक्त किसी भी जगह और किसी भी हालत में कभी उनको छुटकारा नहीं अल्लाह रब्बुल रब्लम ने इतात के ताल्लुक से कुरान मजीद में कई आयतें उतारी हैं हर आयत में जब हम गौर करेंगे तो हमें ये बात वाज पर समझ में आ जाएगी कि अल्लाह अल्लाह ताला ताला ने ताला की के हुकुम को किसी खास जगह के साथ नहीं जोड़ा है कि आप मक्का मदीना में रहें तो अल्लाह ताला की इतात करते रहें दुनिया के और किसी भी कोने में चले जाए यूरोपी ममालिक में चले जाए या कहीं ऐसी जगह पर जहां बेहयाई और फहाशी आम हो तो वहां आप भी उसी रंग में रंग जाए ऐसी कोई बात नहीं किसी जगह को अल्लाह ताला ने खास नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने भी और अल्लाह के रसूल ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि इत जहां कहीं भी रहेंगे अल्लाह रबालमीन से डरते रहना है अल्लाह की इतात से या इतात के दायरे से कभी बाहर नहीं निकलना है ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हमें यही तो हर जगह एक मोमिन बंदा चाहे वो मुकद्दस मकामात में हो या ऐसी जगह जहां वो अपने जान पहचान के लोगों में रहता हो या किसी बिल्कुल नई जगह चला जाए जहां उसे कोई पहचानता ना हो किसी भी जगह वो अल्लाह को पहचानने वाला बंदा अगर है तो हर जगह अल्लाह ताला की इताअत उसे जरूर करनी ही है और इसी तरह से किसी जमाने के साथ भी इताअत का ताल्लुक नहीं कि फला खास जमाना आ गया तो अब इसमें अल्लाह की इताअत करनी है और जैसे ही वो जमाना बीत गया तो फिर उसके बाद हमें अल्लाह की इताअत से छुटकारा मिल गया ऐसी कोई बात सारे मुसलमान बंदों को हम देखते हैं कि वो रमजान का महीना आता है या फिर जिलहिज के शुरू के अयाम आते हैं ऐसे इन दिनों में, दिनों में में या फिर ऐसे हालात उन पर आते हैं कि जिनमें वो किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं अल्लाह को याद करते हैं उठते बैठते अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते हैं उसकी इतायत की फिक्र करते हैं लेकिन जैसे ही ऐसे मुकदस जमाने खत्म हो जाए तो फिर वापस अपनी पुरानी रविश पर लौट आते हैं तो अल्लाह ताला की इताअत किसी जमाने के साथ भी खास नहीं होती और इसी तरह से हर हाल में चाहे हम खुशहाली में हो तंग दस्ती में हो जी गरीबी में हो मालदारी में हो तंदुरुस्ती में हो बीमारी की हालत में हो किसी भी हालत में हमारे अपने लिए अल्लाह ताला की इताअत से अल्लाह के रसूल की इताअत से कभी कोई मफर नहीं कोई छुटकारा नहीं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हम इंसानों का नक्शा खूब खींच कर बताया कुरान मजीद की कई आयतों में अल्लाह ताला ने ये हम इंसानों की फितरत बताई है कि वह इधा मसल इंसान अब्दुर औ ये इंसान की फितरत के इंसान को जब कोई तकलीफ पहुंचती है किसी मुसीबत का वो शिकार हो जाता है कोई परेशानी उसे आ घेरती है तो तब उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करता है अल्लाह अल्लाह करने लगता है लेकिन अल्लाह तला कहते हैं कि जैसे ही हम उसकी वो तकलीफ दूर कर देते हैं उसकी वो परेशानी हम जब दूर कर देते हैं तो वो बंदा बिल्कुल ऐसे गुजर जाता है गोया के कभी उसने किसी मुसीबत में हमें पुकारा ही नहीं ये आज भी हम बहुत सारे जी वो बंदे जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे बंदों की हालत है कि जब उन्हें किसी परेशानी का सामना होता है किसी तकलीफ से दो चार होते हैं तो वक्ती तौर पर तकलीफ बरकरार रहने तक अल्लाह को याद करते हैं जैसे ही अल्लाह ताला अपने फजलो करम से वो तकलीफ दूर कर देता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने जी गुजरे हुए चंद ही दिनों में हमारी तकलीफ पर हमने अल्लाह को याद किया था और वही अल्लाह हमारे याद करने से हमारी ये तकलीफ दूर कर दिया तो अब उसे हम भूल जाते हैं तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतात का हुक्म है ऐसा हुक्म कि जो जमाने के कितने भी हालात क्यों ना बदल जाए जमाना अपने कितने भी रंग क्यों ना बदल ले जब तक ऐसी मजबूरी हमारी ना हो कि जिसमें हम अल्लाह ताला का हुक्म बजा नहीं ला सकते तो उस वक्त हमारे लिए अल्लाह ताला ने रुखसत दी है और ये रुखसत खुद भी अल्लाह इताअत होती है तो हम अपनी जिंदगी में कभी अल्लाह ताला की इताअत से कहीं दूर जा ही नहीं सकते अल्लाह ताला की इताअत के बगैर हमारे लिए कोई चारा ही कभी नहीं है अब इस हुक्म को हम गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को खिताब करके जो बात बता दी तो मामला ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने पूरी ईमान वालों की जमात को खिताब कर दिया है तो चलो ईमान वालों में से कुछ लोग अल्लाह ताला की इताअत का फरीजा अंजाम दे दिए उसके हुक्म की उन्होंने तामील कर ली तो बकिया और सारे लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा जैसे हुक्म फर्ज किफाया का होता है तो अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत का यह हुक्म फर्ज किफाया की नोयत का नहीं कि के के जमात उसकी तामील कर ले, तो बकिया सारे मुमिनीन की पकड़ ना हो बिल्कुल नहीं बल्कि ये हुक्म हर मोमिन मर्द और और औरत पर फर्ज आईन है फर्ज आईन जी बिल्कुल ऐसा फर्ज कि जिसे हर आदमी को अंजाम देना लाजिम होता है फर्ज किफाया वो कि अगर माशरे के कुछ लोग उसे अंजाम दे दे तो बाकी सारे लोग उससे जो न, उनको छुटकारा मिल जाएगा तो ये इतात का जो हुक्म अल्लाह रब्बुल रबालमीन दे रहे हैं तो ये कोई फर्ज किफाया की नोयत का हुक्म नहीं है बल्कि फर्ज आन है कि एक एक मोमिन मर्द और एक एक मोमिन औरत पर अल्लाह ताला का ये बजा लाना है। जो इस को बजा लाएगा, फल पाएगा और जो इसमें कोताही करेगा अल्लाह ताला उसके साथ जो चाहे मुआमला कर सकता है कुरान मजीद की कितनी आयतों में अल्लाह ताला ने इस इतात के हुक्म को बजा लाने की सूरत में क्या कुछ इनाम अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की कई आयतों में इसका तस्करा किया है अल्लाह ताला क्या बताते हैं وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ये समझिए के इताअत के समरात मैं आगे इंशाअल्लाह आपको ये सब बातें बताऊंगा उससे पहले कुछ और बातें हैं जो इनशा हम पहले उसे मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद जो इतात के समरात और उसके ताल्लुक से जो आयतें अल्लाह ताला ने उतारी हैं वो सारी बातें इनशाला हम मालूम करते हैं इतात किसको कहा जाता है किसी का कहा मानने को जी ऑर्डर उबैंग आर्डर तो अगर हुक्म माना जाता है किसी का कहा मानने को इताअत कहते हैं अभी मैंने आपके सामने ये बात वाजह की कि इताअत का हर मुसलमान के ऊपर फर्ज आइन है जब अल्लाह की इताअत फर्ज आइन है तो खुद ब खुद ये नतीजा भी इससे लाजिम आता है कि अल्लाह की हिदायत और उसके अहकाम की जानकारी भी फर्ज आइन है अल्लाह तला की इतात हमारे ऊपर फर्ज है और अभी हमने मालूम किया कि इतात का मतलब कहा मानना तो अल्लाह का कहा जाने बगैर मानने का तस्वर ही नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है क्या कहा है कि उसके मुताबिक हम अमल करें तो जब तक हम जानकारी नहीं हासिल करेंगे तब तक सही मानों में अल्लाह ताला की इताअत बिल्कुल नहीं की जा सकती तो देखिए अल्लाह रबालमीन हमें हुक्म दे रहे हैं इताअत करने का मगर ये इताअत का हुक्म अपने अंदर एक और जिमनी हुक्म रखता है वो ये है कि अल्लाह ताला की सारी तालीमात से हमें बाखबर होना पड़ेगा एक मोमिन है वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी उसको गुजारनी है अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर वो अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मोमिन वही होता है जो अल्लाह ताला के, के आगे जी सर तस्लीम खम कर देता है झुक जाता है अल्लाह जो उससे चाहता है वो करता है और उसकी अपनी ख्वाहिश नफ्स की वो कुर्बानी देता है तो ये मोमिन हुआ करता है तो ऐसे में जब अल्लाह ताला की हम पर फर्ज है तो बात ये भी वाज़े हो गई कि अल्लाह ताला की हिदायत और अल्लाह ताला के अहकाम की जानकारी भी एक एक मुसलमान का फर्ज आन है इसी वजह से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमान जारी किया कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम एक एक मुसलमान मर्द और, और औरत पर बहुत सारे लोग यहाँ अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा का इजाफा करते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब हर वो बंदा जो इस्लाम के वस्फ से मुत्तसिफ है इस्लाम की सिफत जिसके अंदर पाई जाती है चाहे वो मर्द हो के औरत हो एक एक मुसलमान के ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना जरूरी है कौन सा इल्म? किस चीज का इल्म? माशाल्लाह कल जो प्रोग्राम आप लोगों ने इसी जूम जी के जरिए जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए सुना था कि जिसके अंदर पुरफन दौर में इल्म की अहमियत और इसी तरह से उलमा से इस्तेफा करना और से बेनयाज हुए बगैर अपने आप को उलमा से जोड़े रखना इन सब मौजुआत पर आप लोगों ने बातें सुनी होंगी तो देखिए ये हमारा आज का इतात का हुक्म जो अल्लाह रबालमीन हमें दे रहे हैं एक एक बंदे को एक एक मुसलमान को अपनी जगह पर गौर करके देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन का ये हुक्म बराबर जिस तरह से साढ़े चौदह सौ साल पहले के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने दिया था जो ईमान लाने वाले उस वक्त इस हुकम पर अमल पैरा हुए आज मैं भी उतना ही बराबर इस हुक्म का पाबंद मुझे भी होना है मैं इसका वैसा ही मुखातब हूं एक एक मुसलमान को गौर करके देखना चाहिए कि आखिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक तरफ से ये हुक्म दे रहे हैं और हम बंदे हैं कि दुनिया में हम किस किस की सुनते और मानते नहीं हैं सबसे पहले हमारे अपने नफ्स की हम खूब सुनते हैं जो हमसे वो चाहता है जो वो हमसे कहता है उसे मानते हैं फौरन उसे बजा लाते हैं हर आदमी अपने बीवी बच्चों को खुश करना चाहता है बिल्कुल उनके बीवी बच्चे जो कुछ भी उससे मुतालबा करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं ये और बात कि उस मुतालबे को पूरा करने में मुझे हलाल तरीका अपनाया जा रहा है या हराम तरीके से भी मैं उनकी ख्वाहिशा पूरी कर रहा हूं कोई फिक्र नहीं करता और इसी तरह से दोस्त अहबाब का बड़ा हल्का होता है हर आदमी का के दोस्त अहबाब को हमेशा वो खुश रखना चाहते हैं कभी कोई अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता है। तो ऐसे इन सब की खूब सुनते हैं लेकिन सुनने से जिसकी असल में सुनना है और जिसका हुक्म मानना है और शैतान मरदूद जो हमारा अपना अजली दुश्मन हमें जिसके हुक्म को सुनने से दूर कर देता है हमें गफलत का शिकार कर देता है तो वो हमारे हमारे अपने खालिक, हमारे अपने खालिक मालिक के हुकम से हमें बिल्कुल जना फिल कर देता है हमारे अपने जहनों में ये बात बिल्कुल जना हम फरामोश कर देते हैं भूल जाते हैं कि हमारा अपना एक रब भी है जो हमारी अपनी सांस की डोर ढीली दे रखा है कि वो अगर कभी हमारी वो डोर अगर खींच ले तो देखते ही देखते हमारे अपने सारे रिश्तेदार हमारे अपने वही बीवी बच्चे जिनकी हम ख्वाहिशात पूरी करते हैं वो देखते ही रह जाएंगे और हमें उन्हें हम उन्हें पीछे छोड़कर हमारे अपने मालिक से जा मिलेंगे मगर शैतान मर्दूद हमें इस अल्लाह ताला के हुक्म को मानने इसे जानने और फिर मानने से हमें गफलत में रखता है क्योंकि वो वहां से चैलेंज करके निकला है कि अल्लाह ताला के बंदों को वो दूर रखेगा अल्लाह ताला के रास्ते से जन्नत से दूर करने की वो कोशिश करेगा तो वो अपने इस जी चैलेंज में कितनी हद तक कामयाब है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया की कितनी बड़ी आबादी है और इस आबादी में अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले और अल्लाह को पहचानने वाले बंदों की इनकार है फिर उसके बाद सही मानों में अल्लाह ताला पर ईमान जैसे रखना चाहिए अल्लाह ताला की जैसी इताद करनी चाहिए वैसे बंदे कितने हैं और कितने ऐसे बंदे जैसे कि खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमायुमिनु अक्तर हुम बिल्ला इल्ला वहुम मुशरिकून कि कितने ही ऐसे ईमान के दावेदार बंदे होते हैं जो सही मानों में अल्लाह ताला के साथ शिरक भी करते चले जाते हैं उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं होती वो जरा भी नहीं सोचते हैं कि आखिर अल्लाह ताला ने जिससे हमें रोका वही काम करते हुए हम अल्लाह ताला को खुश करने की भी कोशिश करते हैं तो कैसे हो सकता है आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम बंदे अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां जो ना नहीं करते चले जाते हर आदमी अगर अपनी जगह पर यह जरा सोच कर देख ले कि मेरे पहनने ओढ़ने के ताल्लुक से मेरे परवरदिगार ने मुझे क्या अहकाम दिए हैं मेरा अपना लिबास मर्द हो औरत हो हर एक को अपनी जगह पर जरा सोच कर देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मेरे पहनने ओढ़ने के लिए मुझे क्या जो ना अहकाम दिए हैं मुझे किन बातों से रोका है कैसा पहनना मेरे लिए जायज है और कैसा पहनना मेरे लिए जायज नहीं तो खुद आदमी देखता रह जाएगा कि मैं एक अरसे से अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नाफरमानी करता जा रहा हूं कि मेरा अपना जी कपड़ा कैसे होता है खातिन अपनी अपनी जगह पर जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई कि रुबा कासियात आरियात तो इस तरह की चीजें आज बिल्कुल खुलेआमजना नजर आ रही हैं कि कपड़ा पहनकर भी बिल्कुल ब्रहना नजर आने वाली या तो उनके कपड़े इतने चुस्त होंगे कि जिसकी वजह से उनके जिस्म के सारे फराज़ बिल्कुल जाहिर होंगे या इतने तंग होंगे और इतने छोटे और मुख्तर होंगे कि जैसे जी बदन झांक रहे कपड़ों के दरीचों से बदन झांक रहे हैं वाला मामला गोया जना हो जाता है तो इस तरह की जना पहनने ओढ़ने के मामले में आदमी अगर देख ले तो उसको खुद अंदाजा होगा कि मैं किस हद तक अल्लाह ताला की बातें मानता हूं और कहां मैं अल्लाह ताला की नाफरमानियां कर रहा हूं सोने जागने का मामला है ले लीजिए देख लीजिए कि अल्लाह ने हमें क्या तरह हुक्म दिया है दिन किसके लिए बनाया है रात किसके लिए बनाया अल्लाह ताला ने हमें बता दिया और हम बंदे हैं कि अल्लाह ताला के इस फितरत के साथ बगावत हम करना चाहते हैं हम रात रात भर जागना चाहते हैं और फिर उसके बाद से जरा पहले हमारी अपनी नींद हम पर जब गालिब आती है तो सब कुछ जिस काम में भी हम रात जागते भी हैं तो किस काम में जागते हैं यकीन हमारे वो असलाफ थे जो रात जागते भी थे तो अल्लाह ताला की इबादत में और अल्लाह ताला को खुश करने में जागा करते थे लेकिन आज हमारे अपने जी नौजवान लड़कों लड़कियों के हाथ में क्या खिलौना होता है और किस चीज को लेकर वो रात रात भर जागते रहते हैं हर आदमी अपनी अपनी जगह पर खूब अच्छी तरह से जानता है तो हमारे अपने सोने जागने के मामले को लेकर हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानियां हम कितनी करती चले जा रहे हैं हमारा मिलना जुलना ले लीजिए कि कैसे किन लोगों से हम मिल सकते हैं किन से हम नहीं मिल सकते हैं आज हमारे अपने में बेपर्दगी है ये जानती नहीं है कि वाकई अल्लाह ताला की हम बंदियां कल अल्लाह ताला के पास हमारे इस की वजह से बेपर्दगी की वजह से कल अल्लाह ताला के रूबरू हमसे पूछ होगी बोया कि ये हमारी अपनी खातन आज भुला बैठी पूरी तरीके से फरामोश खास बड़े बड़े शहरों में जब शादी ब्याह के मामला वगैरह होते हैं और फिर इसी तरह से बड़े बड़े माल में इसमें उसमें जब चक्कर लगाने का मामला होता है तो आप देख लीजिए कि अपनी जगह पर मगरबी तहजीब में और फैशन को बिल्कुल ऐसे समझ रहे गोया के हमको इसी दुनिया के लिए ही पैदा किया गया है हमें कभी मौत नहीं आएगी और हम कभी लौट कर अल्लाह की तरफ नहीं जाएंगे ये गोया जबान हाल से कहते हुए नजर आते हैं लोग हालांकि खुद अपनी आंखों से कितने लोगों को अपने करीबी रिश्तेदारों को मरता हुआ देखते हैं कितने लोग बराबर अपने कांधों पर अपने अजीजों को अपने दोस्तों को ले जाते हैं अपने बुजुर्गों को अपने कांधों पर उठाकर खबरस्तान ले जाते हैं दफना कर चले आते हैं मगर हमारा अपना मुआमला ऐसा बन गया है कि ऐसे आखिरी ठिकाने पर पहुंच कर भी उस जगह पर भी जहां लोगों को इबरत लेनी चाहिए वहां भी आदमी अपनी दुनियादारी में मसरूफ नजर आता है आज के कब्रस्तानों में भी बराबर मोबाइल की घंटियां बजती रहती हैं और हर आदमी जिसकी भी वो घंटी बजी उठाया और अपने जन मामले में लग गया डीलिंग होती है कब्रस्तान में खड़े खड़े बराबर जो डीलिंग हुआ करती है तो ये सब काम ऐसे जो बिल्कुल आज हमारे होते चले जा रहे हैं हमारी अपनी इबादतों का क्या हाल है हम अपनी जगह पर बड़ी मुश्किल से फराइज अदा करते हैं तो समझते हैं कि हमने अल्लाह ताला की इबादत का पूरा हक अदा कर दिया अल्लाह अकबर हमारी अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी में गुजरनी चाहिए अल्लाह ताला ने तो यही बताया कि, जिन्न वल इल्ला कि मैंने इंसानों और जिन्हों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी बंदगी करें बंदगी का मतलब, के ताला की मर्जी के उसके मुताबिक मैं अपने आप को ढाल लूं इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हमारे अपने असलाफ की जिंदगियां जरा आप गौर करेंगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि देखिए कैसे इस्लाम जब आया और ऐसे लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं जो साल हा साल तक जाहिलियत का जमाना वो दिन गुजार चुके होते हैं क्या क्या उनकी अपनी ख्वाहिशात कैसी कैसी बुराइयों में मुलवस नहीं थे लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल करते हैं फौरन उनकी अंदर तब्दीली आती है सब कुछ वो भुला बैठते हैं और कहते हैं कि बस अब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी है ये उन लोगों के अंदर तब्दीली आती है कि पूरी तरीके से जो कुछ भी जिन जिन गुनाहों के जिन जिन बुराइयों के वो आदि होते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं सब की कुर्बानी देते हैं और याद रहता है उनको तो सिर्फ अपने रब की मर्जी याद रहती है कि मुझे अब कैसी जिंदगी गुजारनी है लेकिन आज हमारे अपने हालात अगर हम जायजा लेंगे हमारी अपनी इबादतें हमारे अपने मामला हमारी अपनी तजारतें शादी ब्याह के मामलात इन सब में कैसी जी बेहि होती है कैसी फहाशियाँ होती हैं हमारी अपनी तजारत में कैसे कैसे जन धोखे होते हैं झूठ बोला करते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है इन सब के बावजूद हम चाहते ये हैं कि हम पर कोई मुश्किल ना आए आज दुनिया वाले बिल्कुल बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि आखिर हम अल्लाह के बंदे हैं मगर इसके बावजूद क्यों अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा मामला कर क्यों हमें इस तरह की जिल्लत और रसवाई से दो चार होना पड़ रहा है तो नतीजा खुद हम है जी इसका जवाब यही कि हम अपनी जगह पर देख ले कि हम किस हद तक अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहे हैं नाफरमानी कितनी कर रहे हैं सुबह से शाम तक शाम से रात तक और फिर रात से फिर सुबह तक कितनी हम नाफरमानिया करते हैं रात के अंधेरों का हमारा क्या हाल होता है दिन के उजालों में हम क्या क्या बुराइयां नहीं करते हैं तो इसके बावजूद हमको ये शिकायत कि क्यों आखिर अल्लाह के बंदों के साथ ऐसी जिल्लत और रसवाई का मामला हो रहा है तो हाजरीन और नाजरीन मैं यही आप लोगों के सामने बता रहा था कि अल्लाह तला की जब इताअत हमें करनी है तो अल्लाह तला के अहकाम की जानकारी भी हमारे लिए जरूरी है हर मुसलमान को अपनी जगह पर उसे सोचना चाहिए कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ आम इंसान की तरह मेरा शुमार नहीं है मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो मुझे अल्लाह की मर्जी इस दुनिया में मुझे कैसे रहना है अल्लाह की क्या मर्जी है वो जानकर उसके मुताबिक मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है ये उसकी को कोशिश होनी चाहिए तो हर मुसलमान मर्द और, और औरत पर इल्म फर्ज आता है ताकि उसकी रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल की इता अमल में आए नाजरीन इस आयत करीमा में जब हम गौर करते हैं तदब्बर करते हैं अल्लाह तला ने हमको गौर करने ही का हुक्म दिया है उसकी तमाम आयतों में जब हम गौर करते हैं तो इसी आयत में आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ए ईमान वालों अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और अपने आमाल बर्बाद ना कर लो गौर करते हैं तो ये एक बात ये भी हमको समझ में आती है कि अल्लाह ताला हमसे जो इताअत का इताअत की मांग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने जैसे हमसे अमल का मुतालबा किया है वैसा ही अल्लाह ताला चाहते बस अल्लाह की इतात करनी है हर आदमी अपनी अपनी जगह पर उसे जो तरीका पसंद है अल्लाह की इतात वैसे कर ले अल्लाह खुश हो जाएगा बिल्कुल भी गलत यह सोच ही नहीं सकते इसीलिए अल्लाह हमें बता रहे हैं कि अल्लाह क्या कहते हैं और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं और क्या करके आपको दिखाया है उसके मुताबिक तुमको चलना है यही इतात है अल्लाह का कहा मानना कि अल्लाह ने जो कह दिया और अल्लाह ने अपने रसूल की चाहे का कहना पुराने मजीद के जरिए हो या अपने रसूल के जरिए तो उसके मुताबिक जब हम अमल करेंगे तो वही हकीकत में इतात है वरना अल्लाह ताला बताते हैं अल्लाह का कहा मानना छोड़कर अपने तौर तरीके से या अपने बाप दादा के तरीके पर किसी भी और तरीके को लेकर आप अमल करेंगे तो गोया आप खुद अपने आमाल बर्बाद कर रहे हैं जी ये बात बहुत अहम है इस आयत में हमें अल्लाह ये भी बात बता रहे हैं कि वाकई हमें उसी के मुताबिक अमल करना है जी जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया अल्लाह ताला का जो हुक्म है अल्लाह ताला की जो मर्जी है जैसा अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया उसी के मुताबिक हमें अमल करने की जरूरत है और फिर इसी आयत में जब हम गौर करेंगे तो ये भी बात हमको समझ में आती है कि अल्लाह ताला हमारे अपने आमाल की जिम्मेदारी खुद हमारे हवाले कर रहे हैं आमाल की हिफाजत तुमने अमल कर लिया तो अब अमल की हिफाजत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम अमल करने के बाद अपने आमाल खुद बर्बाद ना कर लो जैसे कि अल्लाह ताला एक मिसाल सदका और की देकर बताते हैं कि कि एक तरफ से सदका भी कर दिया और दूसरी तरफ जब मौका मिला जिसको आपने सदका दिया उसे कुछ बोल बताकर उसको तकलीफ आपने दे दी या एहसान जता दिया तो फिर आपका किया हुआ सदका बर्बाद हो जाएगा तो इसी तरह से हमारी अपनी नेकियां, जैसे अल्लाह ताला ने यह कानून बताया है कि हमारी अपनी बुराइयों को नेकियां खत्म कर देती इन अलहसनातीबन सै तो बिल्कुल उल्टा भी मामला हो सकता है कि हम अगर नेकिया करने के बाद बुराइयां करने लग जाएंगे तो हमारी वो नकियां भी बर्बाद हो जाएंगी तो इसलिए हमें इस आयत में अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल बर्बाद ना कर लो। तो इताअत का दायरा सिर्फ अवामिर बजा लाने तक महदूद नहीं रहता बल्कि नवाही से इजतनाब भी इताअत का अहम हिस्सा है आज बहुत सारे लोग अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाने की कोशिश करते हैं नमाजें पढ़ लेते हैं रोजा रखते हैं ये सब तो कर लेते हैं मगर जितनी बुराइयों से अल्लाह ने रोका है धोखा देने से झूठ बोलने से चंगली खाने से जी इधर उधर नजर लड़ाने करने से तो ऐसे सब कामों से आदमी अपने आप को बचा नहीं पाता तो सिर्फ अवामिर बजा लाना ही इतात नहीं बल्कि नवाही से इजनाफ जिन जिन बातों से और कामों से अल्लाह ताला ने रोका है उन तमाम से बच जाना ये भी इसके अंदर दाखिल है तो मजीद इस आयत करीमा में तदब्बर करते हैं तो एक हकीकत ये भी आश्कारा होती है वाज होती है कि अल्लाह और उसके रसूल की इता बिलाल और बिना तवक्फ हो जानी चाहिए एक मोमिन बंदा अल्लाह की इताद करते हुए या अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चलते हुए उसे जरा भी सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि इस पर अमल करने से मेरा फायदा होगा या खसारा होगा या मेरा वक्त बर्बाद होगा कोई चीज उसे सोचना ही नहीं बिना तमुल और बिना तवक्कुफ अल्लाह का हुक्म है अल्लाह के रसूल का हुक्म है तो उस पर उसको जो ना अमल कर देना चाहिए क्योंकि ये सरासर फायदे का ही सौदा है इसमें घाटे का कोई ना इम्कान ही नहीं घाटा नाम की कोई चीज इसके अंदर नहीं पाई जाती है तो आइए यही जो ना हम देखते हैं कि आखिर अल्लाह पर क्या क्या जो ना इनामात देने का वादा करते हैं ये अल्लाह त फरमान है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इता करेगा बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो जाएगा यहाँ अल्लाह रबालमीन ने इता पर बिल्कुल गैर मुक्त ना दुनिया न दीन आखिरत कोई कैद लगाए बगैर कामयाबी की बशारत अल्लाह ताला इस आयत करीमा में दे रहे हैं वाले भी जब इस आयत में खास कर आज के दुनिया के हालात से जो परेशान मुसलमान हैं तो गोया ये आयत नवीद मसरत सबको सुना रही है कि हालात चाहे कितने संगीन क्यों ना हो मुसलमान आलम रब के आयद करदा फरीज इता को बजा लाने में कोताही नहीं करेंगे तो दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी उनका मुकद्दर होगी और अगर इस फरीजे को पसे पुश्त डाल दिया तो किस्म किस्म की जिल्लत और रुसवाई से दो चार होने से उन्हें कोई ताकत नहीं बचा सकती तो ये अल्लाह आलमीन कितनी बड़ी बशारत हमको जो दे रहे हैं कि दुनिया आखिरत हर तरह की कामयाबी इसके अंदर जो न पोशीदा है आज दुनिया वाले ये समझते हैं कि मैं दुनिया की जो बड़े से बड़े फन को हासिल कर लिया चाहे वो तिब में हो चाहे जो ना इंजीनियरिंग में हो या किसी और में मैंने ये कर लिया तो मैं बहुत बड़ा कामयाब बन गया दुनिया की कामयाबी कुछ नहीं है अल्लाह ताला के नजदीक इस दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है के जैसे फरमाते हैं कि अगर ये आलमीन के पास मच्छर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत होती, तो ताला किसी काफिर को एक घुट पानी भी नहीं देते दे। लेकिन दुनिया में आप देख रहे हैं कि सबको मिल रहा है बल्कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले बंदों से भी कहीं ज्यादा उसके जो ना नाफरमान बंदे इस दुनिया के मजा लूट मजे लूट रहे हैं लेकिन जैसे कि हमको ये भी बात बताई गई कि व जन्नतुल काफिर तो यही है कि एक मोमिन के लिए ये दुनिया बिल्कुल जो है कैद खाना है उसे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा कदम कदम पर उसके लिए पाबंदियां हैं लेकिन काफिर के लिए यही दुनिया उसकी जन्नत है कि अब उसके बाद उसका अगर खात्मा उसके कुफर और शिरक पर होता है तो फिर उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम तसीद कर दिया जाए तो ये इतात का मामला बड़ा गंभीर मामला है कल क़ियामत के दिन जब अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम में पहुंचा देंगे तो उसके बाद वहाँ जहन्नमी बड़े हसरत के साथ यही जो कहेंगे जैसे कि अल्लाह ताला जी सुर अहजाब के अंदर बता रहे हैं कि यौम तो कल्लब वजूहुहुम फिन्नार यकूलून या लैतना अतअना अल्लाह वा अतअना रसूला कि जिस दिन इन काफिरों और मुशरिकों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा और वहां उनके चेहरे जहन्नम की आग में उलट फेर किए जाएंगे तो वो बड़ी हसरत के साथ यही कहेंगे कि काश के हम दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की हमने इताद कर ली होती या लई तना ये सिर्फ उन्हीं के साथ मामला होना नहीं है ये तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाने वाले कितने ऐसे मोमिन बंदे भी जो अल्लाह ताला की इताअत से दूर और जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं अगर अल्लाह ने उनके साथ भी ये किया कि वक्ती तौर पर भी ईमान वाला कोई भी हमेशा के लिए तो जहन्नमी नहीं बनेगा लेकिन अल्लाह चाहे तो वक्ती तौर पर जहन्नम में भेज सकता है तो उस वक्त उनकी भी ये सदा हो सकती है हसरत के साथ वो भी ये कह सकते हैं कि या लई तना काश के हमने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ली होती तो अभी हमारे अपने पास वक्त है जिंदगी की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें मोहलत दे रखी है इसका हमें फायदा उठाना चाहिए अगर हमने जी अपनी जिंदगी और अपनी जो दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी दोनों में कामयाबी चाहते हैं

तो कल क़ियामत के दिन उनका हशर और उनकी यानी वो जो जिनकी सोहबत में रहेंगे तो अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम उन लोगों के साथ वो रहेंगे जिन पर अल्लाह ताला का इनाम होगा अम्बिया सालिहीन शुहदा ऐसे लोगों के साथ उन सब का जना हशर होगा और उनके साथ उनकी सोहबत उनको नसीब होगी तो फिर ये अल्लाह रब्बुल रबालमीन का हुक्म जी इतात का कि जमाना चाहे कितने भी करवट ले लें और कैसे कैसे हालात उसमें क्यों ना पैदा हो जाए हमें अल्लाह ताला की इतात से कभी छुटकारा नहीं है तो अल्लाह रब्बुल रबालमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन हम तमाम बंदों को अल्लाह ताला की इतात की तरफ तोज्जो देने की अल्लाह तफ़ी हमको नसीब फरमाए अब तक हमारी अपनी जिंदगियों में हमने जितनी भी कोताही कर ली अल्लाह ताला उन सब की जो ना माफी अपने फजलो करम से अल्लाह ताला उन सब को माफ फरमाए और हमें बाकी मानदा जितनी भी हमारी जिंदगी है उसकी भरपूर इता करते हुए जिंदगी गुजारने की अल्लाह ताला हम सब को तोफीक नसीब फरमाए और आखिर में मैं हमारे अपने जी करम फरमा जी हमारे अपने बरदर मोहतरम जनाब इनायतरमान साहब उमरी मदनी हफीजल्ला और दीगर और तमाम अहबाब का जो हमारे अपने सलाम दावा सेंटर जद्दा में जो जितने भी शादी माविन हैं सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातें ख़त्म करता हूँ आमीन व आखिर रबी व्सा नबी महमदहीजमी